आज हम इस वीडियो में देखेंगे मटकी या मोठ की सब्जी, जो हेल्दी तो है ही पर सिर्फ कुछ मसाले ऐड करने से टेस्टी भी हो जाएगी। सब्जी के लिए आप स्प्राउटेड अंकुरित मटकी ही लें। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ फाइबर भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे अंकुरित कैसे करें। आप 1.5 कप मटकी लें और इसे दो बार धो लें। 3 कप पानी डालकर इसे 7 से 8 घंटे सोख कर लें। सोख होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इसका पूरा पानी छन्नी से निकाल दें, फिर एक कॉटन के कपड़े में टाइट बांध लें और किसी बर्तन में ढककर ओवरनाइट या 10 से 12 घंटे किसी गर्म जगह पर रख दें। नेक्स्ट डे ये अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। अब हम इसकी सब्जी का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए 1 कटा हुआ प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 मीडियम आकार के कटे टमाटर। खड़े मसाले में 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 1 से 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच खड़ा धनिया। सारे खड़े मसालों को थोड़े देर रोस्ट कर लें। जब तक उसमें से हल्की सी खुशबू ना आना चालू हो जाए। जब खड़े मसाले बस भूंज गए, उसके आखिरी समय पे आप इसमें फाइन कोकोनट पिसा हुआ नारियल डाल दें। मिक्सर में आप सूखा हमारा भूंजा हुआ मसाला डाल दें। पहले प्याज, लहसुन, अदरक ये डालकर आप पहले पीस लें और उसके बाद टमाटर डालकर पीसें। आप इसमें 1/2 चम्मच जीरा भी डालिए, मैं भूल गई थी, और फिर हमारे सारे कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। मिक्सर में एक बार फिर से घुमा लीजिए और ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। सेम कढ़ाई में आप 4 चम्मच तेल डालिए, गैस को मध्यम आंच पे रखें और फिर हमारे पीसे हुए मसाले डाल दें। तब तक भूंजिए जब तक उसमें से तेल अलग ना हो जाए। मसाला जब थोड़ा भून जाए, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालें अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अभी मसाला हमारा अच्छे से हो गया है, ये अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम अपने अंकुरित वाले स्प्राउट डाल देंगे। मटकी या स्प्राउट में मसाले अच्छे से लग जाएं, इस तरीके से इसे मिक्स कर लें और थोड़ा 2 मिनट इसे छोड़ दें। 2 मिनट चलाने के बाद आप इसमें 2 कटोरी पानी डाल दें। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी काफी पतली चाहिए तो आप ज्यादा पानी डालें, बट नॉर्मली इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं होती है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने दें और 10 मिनट के बाद हमारी सब्जी हो गई रेडी। इसे अच्छा धनिया पत्ता से गार्निश कर दें और गरम गरम सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और नेहाज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।